और गुजरात में तेजी से आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। इस बड़ी जीत के पीछे नरेंद्र मोदी की सालों की मेहनत और लगन साफ दिखाई देती है। उनकी माइक्रो और मैक्रो रणनीतियों का ही कमाल है कि बीजेपी आज नेशनल लेवल पर सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक पिछले 22 सालों के सफर में वो कोई चुनाव नहीं हारे और देश में भगवा का दायरा बढ़ाते गए हैं। राज्य से निकलकर केंद्र की राजनीति में आए और खुद को एक विजेता के तौर पर साबित किया। आज हम आपको बता दें कि द मेकिंग ऑफ विनर की कहानी कैसे तैयार हुई मोदी मैजिक। बता दें कि नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए चुनाव जिताऊ नेता कैसे बन गए, जानिए उसकी सबसे खास वजह। टिकट का वितरण। हर चुनाव जीतने वालों को टिकट देने की परंपरा पूरी तरह से मोदी ने बदल दी है। पिछले एक दशक में भाजपा ने टिकट वितरण का सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। पीएम मोदी ने पार्टी को मजबूती देने और चुनाव जिताने के लिए अलग अलग फील्ड के ऐसे लोगों को चुना जिनसे जनता वाकिफ है। उन्होंने खिलाड़ी, लेखक, कलाकार, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त सशस्त्र कर्मी और नौकरशाह को टिकट की लिस्ट में शामिल किया है। वहीं पार्टी के हर वर्ग को जोड़ने के लिए पिछड़ों को टिकट देने की शुरुआत की है। चुनावी क्षेत्र में रिसर्च और कैंडिडेट की पहचान को भी टिकट का आधार बनाया गया। हर बार चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देने की परंपरा बदली, इसका असर भी दिखाई दिया है। नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स सर्वे की शुरुआत की, उसकी मदद से ये समझा गया कि भाजपा को लेकर जनता क्या सोचती है, उसी पार्टी ने उसे पसंद किया है और बीजेपी की नीतियां वो कितना करीब से समझ रही है। सर्वे के आधार पर ऐसे पॉलिटिक्स कैंपेन लॉन्च ही किए गए जो भाजपा से दूर हो चुके वोटरों को वापस जोड़ने का काम करें। जानिए इसके लिए यह भी समझा गया कि चुनावी क्षेत्र में किस हिस्से में पार्टी कितनी मजबूत है और कहां पिछड़ी है। संघ प्रचारक होने के दौरान नरेंद्र मोदी ये समझने की कोशिश करते थे कि देश की जनता आरएसएस के बारे में क्या सोचती है। यही आइडियाज पार्टी के लिए बड़ा साबुत लागू हुआ। 1995 में जब नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ के प्रभारी बने थे तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात का दौर शुरू हुआ। उन्होंने सीधे कार्यकर्ताओं से पूछा कि मुझे एक ऐसा कार्यक्रम बताएं जिसमें भाजपा आयोजित किया हो और उसमें 2000 से अधिक लोग पहुंचे। मोदी के इस सवाल ने सबको चौंका दिया था। उसके बाद में चंडीगढ़ में परिवर्तन रैली आयोजित की गई, फिर एक के बाद एक वहां हुए चुनाव में भाजपा को जीत हासिल हुई। इसी फार्मूले को भाजपा ने लागू कर दिया। मोदी जब 2021 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अगले ही साल यानी 2022 में उन्होंने विधानसभा चुनाव का सामना करना पड़ा था। उन्होंने गुजरात में गौरव यात्रा की शुरुआत की। यह उसी तरह का अलग प्रयोग था। 3000 किलोमीटर लंबी यात्रा का गुजरातियों ने स्वागत किया और लोगों का जनसैलाब उमड़ा। इसके बाद समुद्र भावना यात्रा के गुजरातियों पर अपना असर छोड़ा। इन यात्राओं के जरिए नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर लोगों से जुड़े। उन्होंने ये प्रयोग जारी किया रखते हुए 2022 में भी पार्टी को युवाओं से जोड़ने का विवेकानंद युवा विकास यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद लोगों ने उन्हें इस सफर में साथ दिया। मोदी ने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से वही वादा किया जिसे पूरा किया जा सके। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिजली बिल को माफ करने का मुद्दा बनाया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी भी उसके लिए दबाव था। पार्टी के लोगों ने उन्हें यह सुझाव दिया कि वे इसे भाजपा को अपने शोषण पत्र में शामिल करना चाहिए। इस पर मोदी का जवाब था कि अगर ऐसा किया जाता है तो मैं नेता नहीं बनने जा रहा हूं, ऐसे में लोग गलत संदेश पाएंगे। गुजरात में मैंने जो की प्रगति की है उसमें आधार पर कमजोर होगा, इसे घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया गया था। साल दर साल भाजपा ने बूथ मैनेजमेंट बेहतर बनाने के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत किया। मोदी का मानना रहा कि चुनाव को विज्ञान की तरह समझना चाहिए। चंडीगढ़ में प्रभारी के तौर पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बूथ में कम से कम 11 लोगों की टीम होनी चाहिए, अंदर 2 लोग हों, इस रिलीवर और दूसरा अटेंड करने वाला हो, एक बार लेवल पर बैठा हो, एक पर्चियां जमा कर रहा हो। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे लोगों से संपर्क करना चाहिए जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है। उन्होंने नारा हमारा बूथ हमारा सबसे मजबूत, ये नारा सत्ता में आने के लिए भाजपा साल भर बूथ प्रोग्राम चलाती रही। भाजपा की डोर टू डोर अभियान सबसे पॉपुलर दिखाई दिया है। यही बता है कि आज देश में नरेंद्र मोदी यानी भाजपा सत्ता में बैठी है और देश की प्रथम राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है।